दोस्तों अन्योहासयो, आप सभी जानते हैं कि BTS और ब्लैकपिंक के मेंबर्स को अक्सर शिप किया जाता है, यानी दो मेंबर्स को जबरदस्ती एक साथ जोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि BTS और ब्लैकपिंक की सबसे फेमस शिप कौन सी है, यानी किस मेंबर को किस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा शिप किया जाता है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर हमें फॉलो भी कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी सिर्फ और सिर्फ शिप्स हैं, यानी कुछ भी रियल नहीं है और अभी तक ऑफिशियली भी कभी भी किसी दो मेंबर्स को एक साथ नहीं देखा गया है। इवन वो दोनों तो एक दूसरे से मिलते तक नहीं है, सिर्फ अवार्ड शोज में मिलते हैं जहां पर वो बात तक नहीं करते। लेकिन दोस्तों, फिर भी काफ़ी सारे फैंस ऐसे हैं जो ये शिप्स बनाते रहते हैं, ये सारे एडिट्स बनाते रहते हैं और इसी वजह से काफ़ी सारी फेमस शिप्स हैं जो ब्लैकपिंक और BTS के बीच में बनी हुई हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं BTS और ब्लैकपिंक की सबसे फेमस शिप की। तो दोस्तों, इस शिप का नाम है लिज कुक। दोस्तों, आप नाम से ही समझ सकते हैं इसमें दो मेंबर्स का नाम है, जैसे कि लीजा और जंगकुक। दोस्तों, लीजा और जंगकुक को ब्लैकपिंक और BTS में सबसे ज़्यादा शिप किया जाता है और इन दोनों के ही बहुत ही सारे एडिट्स बनाए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसमें कुछ भी रियल नहीं है और एक कॉमन फैक्टर जिसकी वजह से दोनों को शिप किया जाता है वो शायद ये है कि दोनों ही ग्रुप के मांगने हैं, यानी मांगने सबसे यंगर मेंबर हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आती है BTS और ब्लैकपिंक की दूसरी सबसे ज़्यादा फेमस शिपिंग, जिसका नाम है तेनी। तो दोस्तों, आप नाम से ही समझ सकते हैं तेनी मतलब तेयोंग और जेनी। दोस्तों, तेयोंग और जेनी को काफ़ी लंबे समय से शिप किया जा रहा है और उनके बहुत ही सारे एडिट्स बनाए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न शायद दोनों का अजीब सा नेचर है या फिर दोनों का सिमिलर नेचर है और दोनों दिखने में भी लोग कहते हैं कि थोड़े थोड़े एक जैसे लगते हैं और उनकी काफ़ी सारी हैबिट्स भी मिलती जुलती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ वीक और जीसो के साथ भी काफ़ी ज़्यादा शिप किया जाता है और दोस्तों, इसका एक रीज़न मैंने हाल ही में ही अपलोड की हुई वीडियो में बताया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वी ने किस तरह जीसो को पब्लिकली सबके सामने प्रोटेक्ट किया था। और दोस्तों, उसी इंटरव्यू में काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से वी और जीसो को भी साथ में शिप किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद आती है तीसरी फेमस ब्लैकपिंक की और BTS की शिप, जिसका नाम है जिनसो। तो दोस्तों, जीसो को जिन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा शिप किया जाता है और इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जीसो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती हैं और दोस्तों, जिन भी BTS के वर्ल्ड वाइड हैंडसम है, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों अगर एक साथ आ जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हालांकि दोस्तों, आइडल्स ने कभी भी ऐसी ऑफिशियल शिपिंग के बारे में कोई भी बात नहीं करी है। और दोस्तों, फोर्थ सबसे फेमस शिप आती है जिम से, यानी जिमिन और रोज़े। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि जिस तरह रोज़े और जिमिन का नेचर एक जैसा है, काफ़ी चुलबुला है, उसी वजह से दोनों को शिप किया जाता है और काफ़ी बार जिमिन और रोज़े को सेम कलर के हेयर्स में भी देखा गया है, जिसकी वजह से उनके हेयर कलर की वजह से उन्हें काफ़ी शिप किया जाता है और इसीलिए ये चौथी फेमस ब्लैकपिंक और BTS की शिप है। तो दोस्तों, अगर आपने इन सभी शिप्स के बारे में पहले से सुना हुआ था तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वैसे तो आइडल्स को शिप करना काफ़ी गलत बात होती है, लेकिन इनमें से अगर आपकी कोई फेवरेट शिप है या फिर आप चाहते हैं कि दोनों आइडल्स एक साथ आ जाएं तो हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमारे अमेजिंग वीडियो के लिए इस अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।